Hello everyone, welcome back. Today in this English class, we are going to start a new chapter. This is the new poem and the title is How the Little Kite Learned to Fly, written by Catherine Pyle. Before we start this poem, I just want to let you know the introduction of this poem, How the Little Kite Learned to Fly. This poem expressed the fearful nature of a little kite who wanted to fly high in the sky. Initially, the little kite was afraid to fly high into the sky and was highly pessimistic. But later on, the motivating word of the big kite, he gathered courage and learned to fly slowly. Finally, he successfully learned to fly high in the whirling sky. तो इस पोम में एक काइट है, लिटिल काइट, जो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है आसमान में उड़ने के लिए। उसे ऐसा लगता है कि वो अगर ऊंचा गई तो वो नीचे गिर जाएगी, लेकिन एक बिग काइट है, वो उसको मोटिवेट करती है ऊंचा उड़ने के लिए और उसको साहस देती है, करेज देती है कि तुम भी ऊंचा उड़ सकती हो। और लिटिल काइट अपना जो डर है वो अपने मन से कैसे निकालती है और आसमान की ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचती है वो हम इस पोम में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर पोम, हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड एज ही लुक्ड एट द अदर्स हाई ओवर हिज हेड। मैं ये नहीं कर सकती कभी, लिटिल काइट ने बोला। लेकिन उसने ऐसा क्यों बोला? जब उसने आसमान में उड़ती हुई ऊंची-ऊंची पतंगों को देखा जो बहुत ऊंचाई पर उड़ रही थी, उसके सर के ऊपर उड़ रही थी, तो उसने बोला, मैं कभी इतना नहीं ऊंचा उड़ सकती। आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई। और उसने बोला, मुझे पता है कि अगर मैं ट्राई भी करूँगी ना ऊँचा उड़ना तो मैं नीचे गिर जाऊँगी। Try, said the big kite, only try. तभी वहाँ पर एक big kite भी थी, ठीक है, उसने बोला तुम कोशिश तो करो। और I fear you never will learn at all. और मुझे ऐसा डर लगता है कि अगर तुम try नहीं करोगी तो तुम कभी भी उड़ना नहीं सीख पाओगी। But the little kite said, I'm afraid I will fall. Little kite ने बोला, मुझे बहुत डर लगता है कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ। The big kite nodded. Ah, well, goodbye. और big kite ने अपना सर हिलाया और बोला, अच्छा चलो ठीक है, मैं तो चला। I'm off, and he rose towards the tranquil sky. क्योंकि उसने तो little kite को समझा लिया कि तुम डरो मत, उड़ो। लेकिन जब little kite रेडी नहीं हुई तो वो आसमान की तरफ उड़ चला। Tranquil sky का मतलब होता है पीसफुल स्काई। स्काई कैसा था? शांत था, ठीक है, तो वो वहाँ की तरफ उड़ चला। Then the little kite's paper stirred at the sight and trembling he shook himself free for flight. अब बिग काइट आसमान में उड़ने जा चुकी थी, अब उसको जाते हुए देखकर उस तो लिटिल काइट का जो पेपर था वो स्टर्ड होने लग गया, हिलने लग गया। और ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है शेकिंग स्लाइटली इन फियर, डर से कांप जाना। तो वो डर से कांप गया, लेकिन जो बिग काइट ने उसको मोटिवेशनल वर्ड्स दिए थे यानी उसको मोटिवेट किया था, तो अब लिटिल काइट ने डिसाइड किया कि वो भी अब उड़ेगी, उड़ने की कोशिश करेगी। तो उसने अपने आप को थोड़ा उड़ने के लिए आज़ाद किया। First whirling and frightened, then braver grown. Up, up, he rose through the air alone. Till the big kite looking down could see the little one rising steadily. Up, सबसे पहले whirling, whirling का मतलब होता है moving quickly in circles. आप आसमान में देखते ना पतंगे ऐसे गोल गोल घूमती है, that is a whirling. और डरते हुए वो आसमान में पहले गोल गोल घूमने लगी। अब आसमान में गोल गोल घूमते हुए उसमें अब हिम्मत और आ गई। अब अप ही रोज, अब वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आसमान में अकेली ही बढ़ने लगी। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी, जब तक जो बड़ी काइट है वो उसको देखना ले नीचे। द लिटिल वन राइजिंग स्टेडिली, और जो लिटिल काइट थी, स्टेडिली का मतलब होता है धीरे धीरे, कंटिन्यूसली वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती ही चली जा रही थी। देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विद प्राइड
as he sailed with the big kite side by side. अब आप देखो, वो जो लिटिल काइट है जो कोशिश करके अभी आसमान में उड़ रही है, वो अब थ्रिल्ड विद प्राइड का मतलब होता है अपने आप पर गर्व महसूस कर रही है, बहुत खुश है कि उसने कोशिश की और देखो आसमान में कितना ऊपर आ गई है. एंड ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड, और अब वो बड़ी बड़ी पतंगों के साथ आसमान में उड़ रही है. While far below he could see the ground and the boys like small spots moving round. अब वो आसमान से जब नीचे की तरफ देखती है, ग्राउंड की तरफ देखती है, तो उसको जो ग्राउंड में जो बच्चे हैं वो उसको स्मॉल डॉट्स की तरह, स्मॉल स्पॉट्स की तरह नज़र आ रहे हैं. यानी अब वो आसमान में बहुत ऊंचाई पर है और ऊंचाई से देखने पर उसको नीचे की चीज़ें बहुत छोटी छोटी या डॉट्स की तरह नज़र आने लगी हैं. दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर. दे यहाँ पर है लिटिल काइट और उसके साथ उड़ती हुई बिग काइट्स. तो उन्होंने पहले आसमान में रेस्ट किया, क्वाइट एयर यानी एयर क्या थी, शांत. एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर, और अब वहाँ पर क्या थे, उसको नज़र आ रहे थे बर्ड्स और क्लाउड्स यानी बादल. ओह हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड, और उसने बोला मैं कितनी खुश हूँ, और ये उसने चिल्ला कर बोला है ना. एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, और ये कब पॉसिबल हुआ, मैं इतना ऊपर, उसको बिलीव ही नहीं हो रहा है कि वो आसमान में इतनी ऊँचाई तक पहुँच चुकी है. और अब ऊँचाई पर पहुँचने के बाद वो बहुत खुश है और वो बोल रही है कि सब इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैंने ट्राई किया, मैं बहादुर बनी. क्योंकि अगर मैं ट्राई नहीं करती, मैं हिम्मत नहीं जुटा पाती, तो शायद मैं आसमान पर इतना उड़ ही नहीं पाती. तो इस तरह से लिटिल काइट ने ट्राई किया और आसमान की ऊंचाइयों को छुआ. ये जो पोम है बहुत ही इंस्पायरिंग पोम है, जिससे हमको इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें अपनी लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए. चाहे कैसी भी मुसीबत हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, हमें उनको फेस करना चाहिए और उनसे बाहर निकलना चाहिए, अपने डर को हमेशा हराना चाहिए. तो कैसी लगी आपको पोम, ये आप ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख कर. चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट इंग्लिश क्लास में नई स्टोरी के साथ. बाय एवरीवन.